और आर्ट का है। फिर आर्ट के अलग अलग सब्जेक्ट है, म्यूजिक के अलग अलग सब्जेक्ट है। वहाँ पे आप गए क्या कहते हैं आर्ट गैलरी, वहाँ क्या देखा? एंशियंट टाइम, स्पेशली बड़े बच्चे कौन है इस क्लास? क्या नाम? जो आर्ट गैलरी किन्हें चाहिए आप गए थे? अभी तो वो पूरी मेंटेन नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पिछले ही साल वो सारा जो कॉम्प्लेक्स था आर्टिस्टों के लिए दिया, तो दैट इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, वहाँ पे अभी काम चल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो आपने NAITURE उनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग विद जो गूगल अकाउंट गो के, ये ट्रेडिशनल फॉर्म होती है आर्ट की वहाँ, ठीक है। इसे कंटी हिंदू मिनिएचर, इसे कंट इन पर ये चित्रे पूछू जो आपने तीन यहाँ देखे उसमें पहाड़ी मिनिएचर थे, लिखो पहाड़ी मिनिएचर, यूं करियो गूगल में जाग पर फोन है। और दूसरा बसोली स्टाइल था, लिखो बेटा बसोली स्टाइल, बसोली हम कहते हैं कश्मीरी कलर। हमारे पास भी एक यहाँ पे ट्रेडिशन थी, हम भी मिनिएचर आर्ट करते थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी खत्म हो गई। लेकिन कुछ मिनिएचर बचे हैं और उस स्टाइल का नाम था कश्मीरी कलर। अब जो ये मुगल है और पहाड़ी है और ये हिंदू मिनिएचर है, इनमें फर्क क्या है? जैसे जयपुर में जो है, राजस्थान में घराना है जयपुर की, जहाँ पे आप गए तो ये ना लगे कि आपका दिन वेस्ट हो गया, है ना। आपको भी पता चलना चाहिए कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट मतलब एरिया वाइज, जैसे मुगल मिनिएचर्स थे, हिंदू मिनिएचर्स थे, यहाँ पे तीन ट्रेडिशन डिस्प्ले हैं इस म्यूजियम में अभी, और या उस म्यूजियम में भी जो आपने देखे। पहाड़ी स्टाइल इसको कहते हैं, फिर दूसरा बसोली स्टाइल है, और तीसरा कश्मीरी कलम। कश्मीरी कलम जो काम करने वाले थे वो अब रहे नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशन खत्म हो गया, मतलब जितना बचा है वो है, बट बसोली स्कूल ऑफ जो है वो अभी चल रहा है। जम्मू से आप जब निकलेंगे ना सांबा की तरफ, अगर जम्मू गए हो जानी उकनी पकान जाएक सांबा, तो इसमें गांव अग बसोली ती। अब इसमें फर्क क्या है? जैसे मुगल मिनिएचर जो है या जो जयपुर मिनिएचर में है उसमें ज्यादा रिलीजियस डिपिक्शन है, हाँ, लाइक रामायण महाभारत वगैरह, या जैन मिनिएचर से रिलीजियस डिपिक्शन था, क्योंकि हम जो मुस्लिम है तो हम रिलीजियस तो कोई इमेज बना नहीं सकते, हा? तो हम क्या करते थे उस टाइम के जो किंग्स राजा जो होते थे उनकी लाइफ पे बनाते थे, या जो हमारा सोशल इश्यूज होते थे, सोशल हमारी इश्यूज प्रॉब्लम्स होते थे, तो उन मिनिएचर में उस चीज को डिपिक्ट करते थे। तो ये मेन फर्क है हिंदू मिनिएचर और मुगल मिनिएचर। और वहां पे कुछ पेंटिंग्स भी लगी थी मिनिएचर के बगैर, वो देखी बड़ी बड़ी पेंटिंग वो कलेक्शन जो है, जो आप म्यूजियम गए ना उसी के साथ एक दूसरा ऑफिस है, उसको कहते हैं एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। वो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे राइटर वगैरह है या थिएटर इन ड्रामा वामा करें तिमन चिकिम कंट्रोल करा उनका हेड ऑफिस मार, वो उनकी कलेक्शन। तो वो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो यहाँ आते थे, लाइक 70 आर्ट से रिलेटेड जो पहला वर्कशॉप हुआ है, वर्कशॉप से वन इन सेमिनार से करा यूनिवर्सिटी में, जिसे कहीं आर्टिस्ट करा कम तक वन वर्कशॉप या वन आर्ट कैंप, इस गुक्त गोमुत करो। तो इस वक्त जो हिस्ट्री में जिनका नाम है बड़े बड़े आर्टिस्ट उनका, लाइक MF हुसैन आप लोगों ने सुना हो, हाँ, तो वो भी यहाँ आ चुका, उसका काम भी वहाँ पे था, वो किश्ती जैसी बनी हुई। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू मीट यू देयर, मैं ऑफिशियली थोड़ा आज बिजी था। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो वी कैन स्पेंड होल डे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये उसी के, जब वो आर्टिस्ट यहाँ आते थे तो यहाँ पे वो पेंटिंग्स बनाते थे, तो ये उन्हीं की कलेक्शन जो है वो वहाँ पे है। इंडिया में एक ऑफिस है, एक दफ्तर है जिसको कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसके बीच ना म्यूजियम इस प्राइम इंसीजन है, मगर इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से सिर्फ 9 चीजें हुई म्यूजियम।
नए पेंटिंग्स पर, तो उनके पास जो कलेक्शन है सबसे बड़ा कलेक्शन उनके पास है। उसके बाद ये कहा जाता है कि सबसे बेस्ट आर्ट कलेक्शन अगर है इंडिया में दैट इज विद कर। बाकी हम ऑनलाइन या कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आपके स्कूल आऊंगा। मैं बच्चों से रिलेटेड बहुत प्रोग्राम करता हूँ, मेरे जो वालिद थे वो इसी प्रोफेशन से, तो स्कल्प्टर गॉडमिक स्कल्प्टर कशी है, पातों से ये थे प्रिंसिपल, तो वो डीन भी वो 8-9 साल, तो उनके नाम पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तो उसके अंडर हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। बट स्पेशली आई वर्क विद द किड्स, स्पेशली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, ऑर्फन होते हैं, स्कूल बच्चे हैं, उनके साथ में। अब जो ये आर्ट कॉलेज है यहाँ के 3 डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ इसको कहते हैं अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट। अप्लाइड आर्ट से इस बना या कमर्शियल आर्ट ब्रोह से बना, या आज कल आज होता है बूझमेंट टर्म ग्राफिक डिजाइन, लोगो वोगो छ ना सब कंपनी में, किसी कंपनी का लोगो है या उनका नाम लिखा है या मैगजीन अखबार टीवी करके एड ही हुआ एडवर्टाइज है ना, वहाँ डिफरेंट चीजें हैं, या प्रोडक्ट डिजाइन था मतलब ईगल का जो फ्लास्क है या कोई ऐसी चीज है शैम्पू की बॉटल है इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट उसी से रिलेटेड है। तो ये जो काम लगे हैं इन्होंने, हमारा पहला साल जो होता है फाउंडेशन का उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते, तो फिर सेकेंड ईयर में यहाँ पे ऑफ वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे MBBS ना गणित वेरी पढ़ा सोल पाची जय में वरी कह रटा ENT कह रटा कार्डियोलॉजी कह रटा इतने कोई चीज है गणित वेरी सारी सब्जेक्ट पढ़ने आर्ट्स रिलेटेड 5 सब्जेक्ट, पच सेकंड ईयर उसमें जी स्पेशलाइजेशन आप ऑफ करा रटा या फिर रटा अप्लाइड आर्ट या स्कल्पचर या पेंट। तो ये अप्लाइड आर्ट है यहाँ पे, दिस इज ऑल आर्ट विच डील्स विद योर डेली लाइफ, लाइक सुबह आप निकलो तो होर्डिंग देखते हैं बाहर, हाँ चिंगम आप लाएंगे उसका रैपर है, वो भी तो कोई डिजाइनर ही डिजाइन करता है, तो ये डिपार्टमेंट उसी से। तो ये जो फाउंडेशन से बाहर आए बच्चे ये उनका जो पहली असाइनमेंट है उनकी, और ये सारा हाथ से बनना है, पहले 2 साल इनको हाथ से सारा करना होता है, जो फाइनल ईयर होता है तो उसमें सारा कंप्यूटर से करना पड़ता, ये सारे जो काम है ये बच्चों से ही, बच्चों से क्योंकि पहले 2 साल हम कंप्यूटर को हाथ लगाने नहीं देते, कंप्यूटर पढ़ाते हैं बट उनको सारा काम जो है हाथ से करना। अब वो देखो वो जो रूह अफजा का एड है, तो ये असाइनमेंट हमने बच्चों को दी थी कि अगर हम रूह अफजा को यहाँ लॉन्च करेंगे रमजान में तो हम कैसे ऐड करेंगे, वो अर्जे वाला कौन है ये इधर आओ, इससे आपको थोड़ा आइडिया, ये देखो बेटा ये भी नेचर से ही रिलेटेड है, दिख रहा है ना, डिस्ट्रॉइंग नेचर इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। चलो जी अब दूसरी जगह जाते पता, उसमें मेरे काम की भी सिलेक्शन हुई थी, ये एक प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रिंट मेकिंग, अच्छी मशीन गॉड से उन चीजों पर इम्प्रेशन देना, अच्छी टाइमिंग इम्प्रेशन इस मशीन थ्रू करें, तो ये मेरा काम इसमें सिलेक्ट हुआ जैसे मोर पसार दो इट इज नॉट माई सब्जेक्ट, मैं एक बार ये आयरन ठंडा हो गया देन यू कांट मूव इट, सो दिस इज द टाइम दिस इज द हॉट आयरन, आप बस ये 10 साल होते इंसान कैसा बनेगा वैसे ही होगा, तो ये खाली 30 रुपए पे डिपेंड नहीं होगा आप। तो ये जो है यहाँ पे 3D फॉर्म, तो इसको हम मूर्ति नहीं कहेंगे, स्कल्पचर के समझ में आया, मुजस्मा साजी का होगा स्कल्पचर, और मूर्ति वो होती है बेटा जिसको आप आइडियल आइडियल पूजते हैं, मगर वो कहाँ चीज था वो शो की है मूर्ति, राइट राइट सर, हाँ यही कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत है, बहुत है, बहुत कंफ्यूजन है, ये फॉर्म है आर्किटेक्चर फॉर्म है, तो मैं कल चीज गुना, अब ये गुना है यहाँ पे देखो आप, ये बोला है इधर सर को जगह था, स्कल्पचर है, हाँ ये आर्ट है, आर्ट 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 क्या, इसमें आप 3D के साथ खेल सकते हो बिल्कुल सर, अपने आइडियाज में
तो इस मीडियम के आप दिखा सकते हो मेरे अंदर क्या है, मैं क्या दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल जोड़ रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। बिल्कुल जिद होती है ना, वो जोड़ने के लिए होता है। एक और कॉर्नर दूसरा कॉर्नर जोड़ रहा है, वैसे ही जोड़ रहा है। बिल्कुल सर, आप और मैं जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन हो रही है, ऐसे ही होते हैं। ये देखो ये कैलीग्राफी हो रही है, ये रिलीफ है, इसे कहते हैं हाई रिलीफ। इसे यहाँ पे है, इसे कहते हैं लो रिलीफ। आर्किटेक्चर फॉर्म यहाँ पे देखो, ये स्कल्पचर है। और ये स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को कैसे यहाँ पे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आया, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ बहुत अच्छा। ये देखो, देखो टाइम को रोकना, टाइम को रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता है, बट यहाँ पे रोक सकते हैं ना। आइडियाज होते हैं, आइडियाज है ना, आर्ट इज बेस्ड एक्चुअली ऑन आइडियाज। आपके दिमाग में थे, हाँ मत उठाओ, ये उठे ऐसे। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल काम होता है, कॉन्सेप्ट काम नहीं होता। राइट सर, कॉन्सेप्चुअल जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपका सोशल किसी भी सोल्यूशन पे हुआ, किसी भी सोशल टॉपिक पे जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं ना, उन्हीं टॉपिक के अंडर हम काम करते हैं, सोसाइटी के बाहर हम नहीं है। राइट राइट सर, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं, पहले लाइफ स्टडी होती है, फिर कंपोजिशन होती है। लाइफ स्टडी में आपको पहले लिप स्टडी करनी है, ये स्टडी, नोज स्टडी, आई स्टडी, फिर आप पोर्ट्रेट पे आ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आप जगह दीजिए मुझे, टाइम सरस रही जाए, मैं आपको दिखाऊंगा सरस रही थोड़ा जाए करके। एक 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 तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, कोई मॉडल है आपका जैसे आप बैठे हो कोई मॉडल, तो फिर इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके देखते हैं इसकी आई कितनी बड़ी है, इसमें कितनी गैपिंग है, इसके एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन करेक्ट, मतलब वो करेक्ट कैप्चर करना पड़ता है, ईयर देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है, फिर ये फाइनल फाइनल उसमें आ जाएगा। अभी ये फाइनल पे नहीं, अभी ये प्रोसेस में इन प्रोसेस में गिर जाएगा, ये बेस पे है ना। इसको हम कहेंगे पोर्ट्रेट, दूर भी है, दूर क्या कहेंगे, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट वो जो है ना, वो रिलीफ है। राइट सर, वो हाई रिलीफ है, ठीक है, ये हाई रिलीफ है। इसमें जो किया है ना, ये भी रिलीफ है, बट ये लो रिलीफ है, ठीक है, अंदर की ओर कारो किया है ना, इसे कहते हैं लो रिलीफ, इसे कहेंगे हाई रिलीफ, सही, ठीक है। बाकी ये कंपोजिशन होती है, ये अफेक्शन पे बेस्ड होती है, मतलब अफेक्शन मदर के साथ होती है ना, अफेक्शन ब्रदर के साथ होती है। ऐसे सोशल मतलब एक टॉपिक पे, टॉपिक के बाहर कुछ नहीं कर सकते, जैसे ये है एंजल उड़ना चाहती है, एक हरी उड़ना चाहती है ना, ये देखो, बट इसके अंदर नीचे ना इसको जंजीरें लगाई है, उड़ना चाहती है बट उड़ नहीं पाती है ना, बिल्कुल बांध के है ना, बांध के है ना, सोसाइटी ने इसको बांध के रखा है ना, बिल्कुल, बट वही अगर खुल जाए ना तो हम उड़ सकते हैं। ऐसे सोशल कॉन्सेप्ट के मतलब कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं हो सकते, हमारा काम कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं, जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी होते हैं इशूज सोशल इशू, उन्हीं पे हम यहाँ पे वाइल्ड वैरायटी ऑफ मीडियम्स में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे वेल्डिंग में आप काम कर सकते हो, जैसे ये देखो ये किसके, ये है जंग, ये कील्स है ना, वो गोल्ड से उससे काम किया है ना, मतलब क्या खींच रहा है, इसे खींच रहा है, इसे है ना, ऐसे ना यहाँ पे मतलब आप हार्ड मटेरियल के साथ काम कर सकते हो, जैसे अंदर सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे अंदर वो है पेन ब्रश है, पहले ना बेसिक ना किले में काम कर, जैसे मैं नहीं करता हूँ वो किले में, जैसे ये किले में है, ये फिर ब्रोंज में हो जाएगा कास्ट, इसकी मोल्डिंग निकालनी पड़ेगी, फिर कास्टिंग करनी पड़ेगी, ये ब्रोंज में हम कर सकते हैं, ये मेटल में हम कर सकते हैं, ये गोल्ड में हम कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं, यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है, और आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट एक थीम के अकॉर्डिंग सोसाइटी के बाहर नहीं रहना है, सोसाइटी में है, जो भी हमारे सोशल इश्यूज है, टॉपिक जो भी हमारे अंदर मन में जो भी है, वो हम थ्रू आर्ट दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारी लैंग्वेज है। समझ में आया, समझे बच्चा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्लैप्स करो सर के लिए, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पे काम। यहाँ का जो कल्चर हमारा है, मतलब इसकी शिकार आई ना, अदालत वो डूब गई है ना, कि इनकार भी इनसे हाँ फाटक में
आते थे ना फाउंड आउट, तो कहीं से आप कुछ ढूंढते हैं और उसको रिक्रिएट करते हैं। इतने से रिसाइकल से ना बना, हाँ प्रोन का कुछ आते पत दगान पत बे क्या बना तो भी रिसाइकल, तो हम भी इसको रिसाइकल क्या रीशेप करते हैं। फोटोग्राफी जो लेते हैं व्हाट्सएप पर हाँ ग्राउंड लेवल पे लोकन वाले पेंटिंग स्कल्पचर अमुक ऑडियंस हायर लेवल गोविंद फिल्म पन अलग अलग हमें स्टडी करनी पड़ती है बेटा, ये है ना ये मस्क्यूलर पे बचत गाव अगर वो नर ये और मसल तथ क्या ना अगर ये मसल तथ क्या इसको हम एनाटॉमी ड्राइंग क्या यह डॉक्टर मेडिकल साइंस का ये मेडिकल वालों को भी एनाटॉमी बॉडी बॉडी इंटरनल एक्सटर्नल और उसके लिए क्या होता है ये ओरिजिनल हार्मोन दिखाई नहीं जिसमें मेरा काम था जी सर जो प्रिंटिंग है ये मशीन उसके काम आती है। अब इसमें है कि पेंटिंग एक ही बनती है लेकिन प्रिंट आप एक ही चीज